दिल्ली के जंतर मंतर पर आज पहलवानों के धरना प्रदर्शन का 13वां दिन है। कुश्ती महासंघ अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर पहलवानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। वहीं पहलवानों के समर्थन में हर रोज राजनीतिक दलों से जुड़े नेता, किसान संगठन, महिला संगठन, राजनीतिक दल, सामाजिक कार्यकर्ता, तमाम दलों की तरफ से पहलवानों को समर्थन दिया जा रहा है। हालांकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण शरण के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से पहलवानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज का माहौल वेदांता दिखा। वहीं देर रात राकेश टिकैत ने पहलवानों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने 7 मई को महापंचायत का ऐलान किया है। जंतर मंतर पर पहलवानों के समर्थन में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने धरना स्थल पर पहुंचकर पहलवानों से मुलाकात। वहीं इस दौरान उन्होंने बुधवार हुई घटना को लेकर दिल्ली पुलिस पर सवालिया निशान खड़े किए हैं और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। मीडिया से बात करते हुए दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा कि वैसे तो भाजपा की सरकार अपराधियों पर बुलडोजर चलाती है। मैं योगी से पूछना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश में ब्रजभूषण के घर पर बुलडोजर चलाएंगे। उन्होंने कहा कि पूरे देश में देखा किस तरह से बुधवार को पहलवानों के ऊपर लाठी डंडे बरसाए, ये घटना बिल्कुल गलत है। एक तरफ तो देश के प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बेटियों को मारा पीटा जा रहा है। मुल्क के जो तानाशाही शासक मोदी जी के पास 2 मिनट का समय नहीं है इन बच्चों को आश्वस्त करना, इनकी सुरक्षा। और जो कंप्लेंट हुई है, कंप्लेंट में आरोप उनके सांसद पे है, क्या उनके सांसद इसलिए बचाया जा रहा है? क्या यूपी के अंदर बुलडोजर अपराधियों पे घरों पे चलाया जा रहा है? तो ब्रजभूषण के घर पे बुलडोजर कब योगी साहब चलाएंगे, मैं पूछना चाहता हूँ। आप हनुमान जी पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़े जो हनुमान भक्त हैं वो पहलवान होते हैं। हम जिस मिट्टी से आते हैं इस मुल्क के अंदर, मैं समझता हूँ मेरा भी ग्रामीण पृष्ठभूमि है, और हनुमान जी को साक्षी करके पहलवान रिंग में उतरते हैं। तो आज हनुमान के भक्त सड़क पे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी बिजी हैं चुनाव में, हनुमान जी पे राजनीति करने के लिए व्यस्त हैं। लेकिन जो अपराध जो हुआ है, जो बच्चियों का शोषण हुआ है, उस अपने सांसद को बचाने के लिए पूरी भाजपा, उनके सूरवीर झूठे प्रवक्ता उतर गए हैं। आज पूरे मुल्क के तमाम दलों को बदनाम करने के बजाय उनको सुनना चाहिए। पहलवानों ने खुले तौर पे कहा है, हमने सबको बुलाया है, तमाम दल को बुलाया है, संगठनों को बुलाया है, छात्रों को बुलाया है, किसानों को बुलाया, सब समर्थन देने आ रहे हैं। उन्होंने RSS को भी बुलाया है, भाजपा को भी बुलाया है, यहाँ की लोकल सांसद को भी बुलाया कि आप आइए हमारा साथ दीजिए। वो साथ कब मिलेगा? केवल पदक जीतने के बाद 7 रोस कोर्स में फोटो खिंचवाने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। वाकई बेटी बचाओ के नारों को पूरा कर ये दर्शाता है कि जो हाल किसानों का किया, जो अत्याचार विपक्ष के साथ किया, याद होगा राहुल जी के समय भी जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर अत्याचार बरपाया, उसका एक और उदाहरण यहाँ युवा पहलवानों पर हुआ है। परसों रात को बारिश ने, जिस तरह से बारिश को बहाना बना करके पुलिस ने इनको उखाड़ने की, इस आंदोलन को दबाने की कोशिश की, ये उनके मुंह पे तमाचा है। ये पहलवान है, ये हार जीत से नहीं घबराते हैं, ये खून पसीना बहाते हैं, ये पुलिस के डंडे से नहीं घबराएंगे। लेकिन बच्चियों पे जिस तरह से अत्याचार किया गया, कई पत्रकार बंधुओं को भी देखा मैंने, साक्षी जोशी जी का वीडियो देखा मैंने, आज पत्रकारों को भी रोका जा रहा है। तो जैसे मैंने कहा, इस मुल्क का पूरी तरह से लोकतंत्र धराशायी है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से काबिज कर ली गई है, ये एक देश के लिए घातक संदेश। बात छवि की नहीं है साहब, बात कथनी और करनी की है। इस मुल्क के प्रधानमंत्री सबके हैं, उन्होंने आश्वस्त किया था कि इस मुल्क की बच्चियों को हम पढ़ाएंगे, उनको सुरक्षा देंगे, लेकिन जो हो रहा है वो तो इसके विपरीत है। अब तो ये प्रतीत होता है कि शायद केवल अपने चुनावी उद्देश्य, अपने फोटो और अपनी खबरों में बने रहने के लिए वो जो नारा था बेटी बचाओ का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो है पूरी तरह से झूठा साबित हुआ। और खासतौर से कहना चाहता हूँ, जो बच्चियां खासतौर से जो बैठी हुई, इनमें अधिकतर बच्चे रेसलर जो हरियाणा पृष्ठभूमि से, तो आज वहां के मुख्यमंत्री जी भी चुप है, प्रधानमंत्री जी चुप है, और इनके जो सांसद हैं उन पे गंभीर आरोप है। यही FIR किसी आम आदमी पे होती तो शायद अब सलाखों के पीछे होते, लेकिन इनके सांसद है मौज काट रहे हैं घर बैठे हुए। बुलडोजर कब इनके घर पे जाएगा, ये योगी से पूछना चाहते हैं। देखिए, उस आदेश का सम्मान किस हमारे पहलवान भाइयों ने किया है, हम भी उस आदेश का पालन करेंगे, सम्मान करते हैं। न्यायपालिका ने जो न्याय दिया है, लेकिन इस मुल्क में संविधान में प्रोविजन है कि आप अपनी बात रख सकते हो, शांतिपूर्ण तरीके से बात रखी जा रही है,
सरकार से आह्वान किया जा रहा है, कोर्ट में गए, FIR हो गई, लेकिन सरकार से तो न्याय मांग सकते हैं। वही सरकार से न्याय मांगने के लिए ये तमाम पहलवान आज सड़कों पर है, और न्याय इस बात का है कि कब ब्रजभूषण सिंह को गिरफ्तार किया जाएगा, कब वो उनके घर पे बुलडोजर चलेगा। ये अपराध महिलाओं पर उत्पीड़न का है, गंभीर आरोप है, बहुत बुलडोजर यूपी में चल रहे हैं, तो ब्रजभूषण के घर पे कब बुलडोजर चलेगा, मैं योगी जी से पूछना चाहता हूं।